नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से पीड़ित है। इस समय शरीर को स्वस्थ रखने में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री ने आयुर्वेद टेक्स्ट के बेसिस पे और रिसर्च पब्लिकेशंस के बेसिस पर एक एडवाइजरी जारी की है, जो कि श्वसन तंत्र संबंधी स्वास्थ्य यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित होगी। आज मैं आपको ये एडवाइजरी एक्सप्लेन करूंगी। इसमें उन्होंने एडवाइस किया है, बहुत सिंपल से प्रोसीजर्स हैं जिसे आप आराम से घर पर कर सकते हैं। गर्म पानी पीजिए आप सारा दिन, और नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आप योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन कीजिए। कम से कम आधा घंटा ये चीजें कीजिए जिससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो। योगा पर कई रिसर्च पब्लिकेशन है कि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्थ इम्प्रूव होती है, और मेडिटेशन ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उत्तम अंग है हमारी बॉडी का। ऐसी परिस्थिति में कोई भी स्ट्रेस्ड हो सकता है, टेंस हो सकता है। हमें खुश रहना है और लड़ना है इन परिस्थितियों से, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और लड़ना है हमें इससे, इसलिए भी हमें मेडिटेशन करनी है। इसके अलावा उन्होंने एडवाइस किया है कि हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन, इन मसालों को जो यूजरी लोग करते हैं अपनी कुकिंग में यूज कीजिए आजकल, ताकि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ और बेटर हो सके। और इसके बाद उन्होंने बोला है सुबह 10 ग्राम च्यवनप्राश लीजिए। इस पर भी बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। आंवला मेन इंग्रेडिएंट है च्यवनप्राश का, जो अकेला ही रसायन है, तो इसलिए इसको आप लीजिए। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। इसके बाद एक ग्रीन टी, जैसे आजकल ट्रेंड है पीने का, एक काढ़ा या ग्रीन टी कह सकते हैं आपको, वो एडवाइस की गई है। उसमें आप काली मिर्च एक चुटकी या 1/4 टीस्पून, या साबुत है तो 3-4 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी वो भी अराउंड 1/4 टीस्पून आप ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून सौंठ, और थोड़ा सा उसमें आप 1 चम्मच किशमिश और 5-6 पत्ते तुलसी, 1 गिलास या 1 कप पानी में इसको आप लीजिए। 4-5 मिनट जैसे हम चाय उबालते हैं वैसे उबालिए, उसको ढकना नहीं है, सिम पे उबालना है, फिर आप उसको छान के पी सकते हैं। अगर आपको मीठा करना है तो आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, अगर आपको लेमन टी पीनी है तो आप उसमें नींबू डाल सकते हैं। इससे भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है रेस्पिरेटरी हेल्थ में। और इसके बाद उन्होंने एडवाइस किया है कि आप हल्दी वाला दूध पीजिए, सुबह शाम 2 बार या दिन में 1 बार पी सकते हैं। हल्दी पर कम से कम 3000 पब्लिकेशंस हैं। ये ऐसे दादी माँ के नुस्खे नहीं है, ये बहुत गहन रिसर्च और अध्ययन के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। और इसके बाद उन्होंने बताया है 2 सिंपल प्रोसीजर्स हैं। इसमें एक है गंडोश, जिसको ऑयल पुलिंग थेरेपी भी बोलते हैं। 1 चम्मच ऑयल मुंह में लीजिए, इसको आप कुल्ले की तरह चलाइए ऐसे, 2-3 मिनट चलाने के बाद उसको स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए। उसके बाद गर्म पानी से ऐसे ही कुल्ला करके फिर उसको फेंक दीजिए। और इसके बाद प्रतिमर्श नस से एडवाइस किया है, जिसमें 2-2 ड्रॉप्स ऑयल दोनों नॉस्ट्रल्स में डालिए। अगर आप डाल नहीं सकते तो आप फिंगर पे ऑयल लगा के उसको अंदर सक कर सकते हैं ऐसे करके। इससे ये होता क्या है, एक कवरिंग बन जाती है नेजल एपिथीलियम के ऊपर, जो प्रिवेंट करती है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को अंदर एंटर करने से। तो ये साइंटिफिक बेसिस पर है, ऐसे ही नहीं बोला नाक में तेल लगाने के लिए। और इसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आपको कफ है, ड्राई कफ है, तो आप लौंग का पाउडर शहद में डाल के दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। पुदीना और अजवाइन, इनकी आप स्टीम ले सकते हैं। अगर आपकी खांसी इसके बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो आप डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। ये एडवाइजरी किसी भी तरह ये कमिट नहीं करती कि ये कोविड-19 का ट्रीटमेंट है। मुझे उम्मीद है अगर आप इस एडवाइजरी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक दिनचर्या और ऋतुचर्या के परिपेक्ष पर आधारित है, तो आपका दिल करेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद भी ये दिनचर्या आपकी लाइफ में बनी रहे, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, इसके बाद आप जानना चाहेंगे कि आयुष बाकी सिस्टम्स के लिए क्या एडवाइस करता है। इसी के साथ स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। नमस्कार।